नमस्कार दोस्तों, मैं एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों, टाइम वक्त कितना इंपॉर्टेंट है शायद हम इस वीडियो में आपको समझा सकें, शायद इस वीडियो में हम उसका कुछ छोटी मोटी जो भी हमारे अंदर नॉलेज है, जो भी हमारे अंदर जानकारी है वो आपको दे सकूं। अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर आप ये जो टाइम है ना, ये समय है ना, यदि अगर आप एक सेकंड बर्बाद करते हो तो आपका एक सेकंड बर्बाद होता है। अगर आप एक मिनट बर्बाद करते हो तो आपका दोस्तों पूरे 60 सेकंड बर्बाद होता है। अगर आप एक घंटे बर्बाद करते हो तो दोस्तों 3600 सेकंड आप बर्बाद करते हो। दोस्तों इसी तरीके से यदि आप 24 घंटे बर्बाद करते हो तो 46400 सेकंड आपका व्यर्थ जाता है, बर्बाद हो जाता है। दोस्तों यदि आप एक महीने बर्बाद करते हो तो 25,52,000 सेकंड आपका बर्बाद होता है। और इसी प्रकार से अगर आपका एक साल बर्बाद होता है तो 3,11,400 सेकंड आपका बर्बाद हो जाता है। दोस्तों वक्त कहता है कि अगर तुम हमको बचा लोगे तो हम तुमको बचा लेंगे, अगर तुम हमको संभाल लोगे तो हम तुमको संभाल लेंगे, अगर तुम हमको इज्जत दोगे तो हम आपको इज्जत देंगे। वक्त कहता है कि यारो हमें बचा लो। वक्त ही सोना है, वक्त ही हीरा है, वक्त ही मोती है, वक्त ही सब कुछ है। वक्त को जितना आप संभालोगे, वक्त को जितना बचाओगे, आपको वक्त उतना ही बूस्ट कर देगा। वक्त ही ऐसा है कि आपका टाइम खराब करता है, वक्त ही है जो आपके टाइम अच्छा करता है। वक्त को जैसे आप यूज करोगे वक्त वैसा आपको यूज करेगा। वक्त को बचा ले मेरे भाई, समय कभी बर्बाद मत होने दो, समय को कभी बर्बाद मत होने दो। यही समय, यही वक्त रतन जी को रतन टाटा बना दिए हैं, यही समय महात्मा गांधी बना दिए हैं, यही समय को यूज किया है अच्छे से, जो कि ये एपीजे अब्दुल कलाम बन गए हैं। और इन सभी का नामों कभी मिटने वाला नहीं है, इन सभी का नाम कभी इतिहास से मिटने वाला नहीं है। क्यों पता है? इसने उस तरीके से वक्त को यूज किया, उस तरीके से वक्त का ख्याल रखा ताकि इसका नाम, ये तो अभी है नहीं सर जी, ये तो है नहीं मेरे साहब, ये तो है, लेकिन इसका नाम कभी मिट सकता है क्या? नहीं मिट सकता है। इसको लोग याद करते रहेंगे, इनका जीवनी को लोग पढ़ते रहेंगे, इनका जीवनी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कितने बार इन लोगों परिश्रम किए, कितने तरीके से कठिनाई को झेले और आगे बढ़े, इन सब लोगों का जीवनी ही हम लोगों को बूस्ट करता है, हम लोगों के अंदर एक एनर्जी डालता है, हम लोगों के अंदर एक चार्ज करता है। मेरे भाई वक्त है तो रील्स देखने में वक्त को मत निकालो, वक्त है तो फालतू का वीडियो देखने में वक्त को मत निकालो। अभी आपके लाइफ में कोई आपके लिए अच्छा सुझाव दे रहा है तो उस चीजों को जरूर अपने अंदर डालो, और जल्दी देखो कि कोई ऐसा इंसान है जो कि हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमें तबाह कर रहा है, या फिर किसी किसी बातों से हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस जो भी रिलेशन है, जो भी लोग हैं, उनसे रिश्ता नाता बिल्कुल से बिल्कुल तोड़ दो, या अपना हो या पराया हो कोई दिक्कत नहीं। हमारे लाइफ में हम जो वक्त को यूज कर रहे हैं वहां पे वक्त, यदि कोई हमारे वक्त को बर्बाद करने वाला इंसान आता है हमारे जीवन में तो उस इंसान को अपने जीवन से निकाल दो। दोस्तों वक्त जो है ना वो रिटर्न नहीं मिलने वाला है। अभी जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये वक्त मेरा जा रहा है ना, वो फिर नहीं मिलने वाला है, वो हमें पता है कि वो वक्त नहीं मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों वक्त को संभाल लो, वक्त को बचा लो। वक्त को जिस दिन आप बचा लिए आपको वक्त बचा लेगा। ये जो घड़ी की जो कांटा है ना साला कभी रुकता ही नहीं है, इसीलिए हमको इस कांटे के इशारे पे ही चलता रहना पड़ेगा। यदि हम रुक गए, हम थक गए, हम हार गए तो मेरी जिंदगी हार जाएगा। इसलिए दोस्तों एक एक मिनट का यूज करो और बहुत ही बेहतरीन यूज करो। वक्त ही दोस्तों सोना है, वक्त ही दोस्तों हीरा है, वक्त ही दोस्तों दौलत है, वक्त ही दोस्तों संपत्ति है, वक्त ही दोस्तों हर कुछ है। वक्त को आप अच्छे से यूज करोगे जिंदगी जीने में एक अलग ही मजा आएगा।
दोस्तों जिंदा रहने के लिए, अपने नाम को 100 साल रखने के लिए 100 साल जिंदा रहना जरूरी नहीं है। अपने नाम को 100 साल जिंदा रखने के लिए खुद को जिंदा रहना 100 साल जरूरी नहीं है। कुछ ऐसा करो अपने वक्त में, कुछ ऐसा करो कि आपको 100 साल नहीं 100 साल करोड़ याद रखें। ऐसा कुछ करके जाओ। हमारे जैसे ये भी थे, हमारे जैसे ये भी थे, हमारे जैसे ही इंसान ये भी थे, लेकिन ये क्या कुछ कर गए जो कि कभी इनको लोग भूलने वाले नहीं है। इसलिए दोस्तों एक ही संदेश देना चाहते हैं, नए साल आने वाला है, 2022 का हमारा लास्ट मंथ का अंतिम दिनों पे चल रहा है, नए साल आने वाला 2023 में हम लोग प्रस्थान करने वाले हैं, 2023 में हम लोग पहुंचने वाले हैं, 2023 में हम लोग जाने वाले हैं। तो 2023 को आप ऐसा यूज करो, 2000 समय को आप ऐसा महत्व दो कि 2024 में आपको इतना हैप्पीनेस लगे कि लगे कि 2023 का हर एक मिनट हर एक सेकेंड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम यूज किए हैं और उसे हमें पूरी 1000% बेनिफिट मिला। समय को बचा लो यारो, समय आपको बचा लेगा। समय को बचा लो यारो, समय आपको बचा लेगा। समय ही सबसे बड़ा धन है, उस धन को आप बटोर लिए तो दुनिया का हर एक धन आपको मिल जाएगा, हर एक चीज मिल जाएगा। इसलिए समय को बर्बाद होने से बचा ले, आपको समय बचा लेगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।